पंजाब के पटियाला में शुक्रवार को शिवसेना कार्यकर्ता और खालिस्तानी समर्थकों के बीच झड़प हो गई। इस झड़प के दौरान खुलेआम तलवारें लहराई गई और पत्थरबाजी भी हुई। इसके बाद से शहर में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। जानकारी के मुताबिक पटियाला में शिवसेना कार्यकर्ताओं की तरफ से निकाले गए खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च के दौरान ये झड़प हुई। कई सिख संगठन और हिंदू कार्यकर्ता आमने सामने हो गए, जिसके बाद पुलिस को पूरे मामले को सुलझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान दोनों तरफ से तलवारें लहराई गई और पथराव भी किया गया। पटियाला में शिवसेना के पंजाब कार्यकारी प्रधान हरीश सिंगला की देखरेख में आर्य समाज चौक से खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च शुरू हुआ। शिव सैनिक कार्यकर्ता खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए बढ़ रहे थे। हरीश सिंगला ने कहा कि शिवसेना कभी भी पंजाब में खालिस्तान नहीं बनने देगी और ना ही किसी खालिस्तान का नाम लेने देगी। इसी दौरान कुछ सिख संगठन भी तलवारें लहराते हुए सड़क पर आ गए और दोनों तरफ से स्थिति तनावपूर्ण बन गई। बताया जा रहा है कि शिवसेना ने एक दिन पहले खालिस्तान के खिलाफ मार्च निकालने की घोषणा की थी, इसलिए पुलिस पहले से ही मुस्तैद हो गई थी। पुलिस ने अनहोनी की आशंका के मद्देनजर शिव सैनिकों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर दी थी। जब दोनों संगठन के लोगों की झड़प शुरू हुई तो पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए लोगों को खदेड़ दिया। बता दें कि खालिस्तानी आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने 29 अप्रैल को पंजाब के सभी सरकारी बिल्डिंगों पर खालिस्तान का झंडा फहराने की घोषणा की थी। इतना ही नहीं, झंडा फहराकर वीडियो भेजने वालों को $1,00,000 तक का इनाम देने का भी ऐलान किया था। आपको बता दें कि सरकार ने गुरु पतवंत पन्नू के भारत आने पर बैन लगा रखा है। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के यूट्यूब चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।